केम छो? आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आज का ये सेशन गुजराती में हो? आप चाहते हैं? क्या नाम है आपका? तो हरीश भाई आप ही कर लो। मुझे जितनी गुजराती आती थी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, केम छो मजामा, बस। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मुझे यहां स्टेज पर 4 वॉलंटियर्स चाहिए। एक मिनट, शांत गदाधारी भीम, शांत। पहले पूरा सुन लो कि करना क्या है। आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा और उस 1 मिनट के अंदर अंदर आपको कुछ भी बोल करके, कुछ भी अजीब अजीब सी हरकतें करके यहां पर जो ऑडियंस बैठी है उसको हंसाना है, उनको हंसाना है। अब हाथ उतने ही हैं, थोड़े कम हुए हैं? हाँ, काफी कम हो गए। भीम ने अपनी गदा डाल दी, बस हो गया काम। आगे और सुन लो, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ खेल। आपको यहाँ पर आकर के हंसाना है और एक छोटी सी कंडीशन है उसके अंदर कि आपको कोई संता बंता का जोक नहीं सुनाना, कोई भी जोक नहीं सुनाना, किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, खुद का मजाक उड़ाना है, खुद के फेलियर्स का, खुद की वीकनेसेस का मजाक उड़ाना है यहां पर स्टेज पर आकर के। और उन चारों में से जिसने भी सबसे ज्यादा हंसाया यहां पर जो लोग बैठे हैं उनको, उसको एक ट्रॉफी मिलेगी। तो इस पे लिखा हुआ है दी अनस्टॉपेबल कॉमेडियन अवार्ड। तो देखते हैं कौन जीतता है इस अवार्ड को। अब बताइए कौन आना चाहेगा इसके लिए? एक आप आ जाइए, आप आ जाइए। मैं गारंटी लेता हूं, मैं ऐसा सकता हूं। आप गारंटी देते हो? आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाइए। ये मेरा डिवोर्स कराएगी। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम। तो कौन सबसे पहले आना चाहेगा आप चारों में से? यू विल, वेरी गुड, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर, क्या नाम है आपका? खुशबू। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर खुशबू। खुशबू क्या करते हैं आप? आई एम अ हाउसवाइफ फॉर नाउ। ओके, माय हस्बैंड इज ऑल्सो। तो आपकी हाउस से शादी हुई है? आपके हस्बैंड बैठे हैं यहाँ पर, कहाँ पर हैं? तो आप तो खुश हो रहे होंगे आज फॉर अ चेंज, आपका मजाक नहीं उड़ने वाला, इन्होंने अपना मजाक उड़ाया। रोज घर में आपका ही मजाक उड़ता होगा, जैसे मेरी वाइफ मेरा बड़ा मजाक उड़ाती है, कहती है ये आसान है, वसान है तो ठीक है, ये क्या होता है? कहते ये क्या है, शाहरुख खान हो, कौन हो भाई? तो आज आपको इनका नहीं, अपना मजाक उड़ाना है, ठीक है? कुछ भी, अपनी कैसी भी वीकनेसेस का, अपनी बेवकूफ़ियों का, हर एक इंसान में स्ट्रेंथ्स भी होती हैं और वीकनेसेस होती हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मोटिव है मेरा, ये मैं ये होने के बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे इसका आज के सेशन से क्या कनेक्शन है। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर खुशबू। आज मैं सबसे पहले इधर इसलिए आई कि मेरा फर्स्ट नंबर हो, क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी कि किसी ने मेरे से ज़्यादा अच्छा कर लिया उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा, आज हम यहाँ पे आने वाले थे, मेरे हस्बैंड एक्चुअली थोड़ा संदीप जी के अगेंस्ट है, इसीलिए मैं उनको इधर लेके आई हूँ। आज और अगेंस्ट हो जाएंगे जो मैंने कहा है उसके बाद और अगेंस्ट। Because I really love him and he's so against me. मैंने उनको सेशंस में उनके जबरदस्ती दिखाती हूँ, उनको पता भी नहीं था कि मैंने उनका रजिस्ट्रेशन किया है। सुबह को उठाया, बस जल्दी से रेडी हो, संदीप महेश्वरी का सेशन के पास चल रहे। थैंक यू सो मच। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर। अब कौन आना चाहेगा आप में से? आप लास्ट आना चाहोगे? गारंटी, गारंटी। जी मेरा नाम तेजस रानिंग है, मैं गांधी नाम कच्छ से हूँ। एक बार मेरा दोस्त है आकाश, मैंने उससे बोला यार मैं एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहता हूँ। मैं बोला क्या बोल रहा है, एक्टिंग करेगा तू? हाँ मैं एक्टिंग करूंगा। मैंने बोला देख मैं तेरा अलग अलग एक्सप्रेशन करके दिखाता हूँ। बोले ठीक है। मैंने बोला तू एक्शन बोला, सर आप एक्शन बोला, मैं एक्शन, एक्शन, एक्शन। ये देख बाप बनने की खुशी, एक और एक और एक और सैड सीन, एक्शन बोल रहा यार, एक्शन एक्शन यार, एक्शन, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। ये देख माँ के जाने का गम, एक्सप्रेशन देखना, ओ जाने वाले क्यों चले। बहुत
बहुत ज्यादा पैकअप फोर्ड बॉय ने पैकअप बोल दिया. अब आप कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं. आइए लाल बटाको पीड़ू बटाको एकदम सीरियस काड़ू बटाको काबर जीतरो बटाको दौड़ू बटाको हस्ता हस्ता पटाकू बहुत बढ़िया. मुझे समझ नहीं आया इन्होंने क्या कहा लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा था. देखने में भी मजा आया. क्या मतलब होता है वैसे पटाकू का? आलू आलू जस्ट आलू. अच्छा आलू रेड आलू वाइट आलू बट डिफरेंट टाइप ऑफ रोते रोते हंसते. अरे वाह क्या बात है. मतलब आलू की इतनी वैरायटी कमाल कर दिया. आपका क्या नाम है? नैना. नैना ओके लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर नैना. एक्चुअली मैं यहाँ पे आप लोगों को हंसाने के लिए स्टेज पे नहीं आई हूँ. मुझे कोई टॉफी नहीं चाहिए. मैं दूसरे पर्पस के हिसाब से स्टेज पे आई हूँ. सो सॉरी फॉर दैट बट मैं जो यहाँ पे करने आई हूँ प्लीज हेल्प मी. थैंक यू मैडम. चलो लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इन्होंने आए यहाँ पे ट्राई किया. अच्छा है अभी? ओ ओके बेचारा अभी बाकी है दोस्त. विल यू प्लीज मैरी मी? सिर्फ एक बार हो सकता है क्योंकि मेरी एक बीवी है वो ऑलरेडी करवा चुकी है. दूसरा होने की कोई गुंजाइश नहीं. मैं फाइनल करवा रही हूं. एक बार हो जाए उसके बाद आसान है. ये आसान है. मत हक तो बनती है संदीप जी के साथ. चलिए लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल ऑफ देम. आपके हिसाब से विनर कौन है इन चारों में से? वो आपके हिसाब से है. मेरे हिसाब से चारों विनर हैं. चारों विनर हैं क्योंकि यहां पर आकर के ये करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. डर क्यों रहे इतना? यार पता नहीं अब आप क्या कर दो. पहले आपने प्रपोज कर दिया फिर हग कर दिया पता नहीं क्या करोगे. डर तो लगता है ना भाई. सो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अभी किया यहां पर स्टेज पर मतलब इन लोगों ने आकर के अपना मजाक उड़ाया. वैसे इन्होंने अपना कम मेरा ज्यादा मजाक उड़ा दिया. लेकिन ये जो किया उसका आज के इस सेशन से क्या कनेक्शन? आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा हर हाल में चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो खुश रहना चाहते हैं, हंसते खेलते रहना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल बच्चे के जैसे मस्त रहना चाहते हैं? सब सब चाहते हैं. इसका सबसे आसान रास्ता पता है क्या है? हमें खुद पर हंसना सीखना है. यही आज के सेशन का थीम है. How to learn to laugh at ourselves. क्योंकि दूसरों की weaknesses पर हंसना, दूसरों के failures पर हंसना, ये तो पूरी दुनिया करती है. मजा तब है जब हम खुद की weaknesses पर, खुद के failures पर दिल खोल करके हंस सके, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के. सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि अगर एक ग्रुप में खड़े हैं 10 लोगों के साथ में और हमारा मजाक उड़ रहा है तो मुंह पे ऊपर ऊपर तो हंस रहे हैं, अंदर अंदर गालियां दे रहे हैं. बोल ले बेटा तू मुझे बोल, मैं तेरे को बोलूंगा अभी थोड़ी देर बाद.
तू मेरी नाक के बारे में बोल, मैं तेरे दांत के बारे में बोलूंगा. तो करना क्या है कि अगर हंस रहे हैं तो खुल के हंस रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, उनके साथ हंस रहे हैं. ऐसा नहीं कि जब उनका मजाक उड़ रहा है तो हम हंस रहे हैं और खुद का उड़ रहा है तो अंदर ही अंदर सीरियस हो रहे हैं. तो ये क्या है और इससे क्या होता है, मैं आपको कोई थियोरेटिकली नहीं बताऊंगा, अपना खुद का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा कि मैंने ये चीज़ कब और कैसे सीखी. जब मैं करीबन 8 या 9 साल का था तो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ में पकड़म पकड़ाई खेल रहा था. भागते भागते मैं अपने स्कूल के स्टेज पर चढ़ गया, स्टेज पर गया और वहाँ से जा करके मैंने छलांग लगा दी. नीचे कूदा, मैंने देखा नहीं था, वहाँ पर एक कांच की टूटी हुई बॉटल पड़ी थी और वो बॉटल, वो कांच मेरे हाथ में यहाँ पर घुस गया, आर पार हो गया. जिसके बाद से जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद से मेरे यहाँ की एक नर्व पूरी तरह से डेड हो गई. और एक वो दिन है, एक आज का दिन है, मेरी ये जो उंगली है ये मूर्ति नहीं है. आप में से भी शायद कुछ लोगों ने इस चीज़ को नोट करा होगा कि जो लेफ्ट हैंड की मेरी ये फिंगर है ये मूर्ति नहीं है. जैसे ये वाली हैंड की जो फिंगर है इसको मैं ऐसे ऐसे मोड़ सकता हूँ, इसको मैं ऐसे तो कर सकता हूँ, ऐसे नहीं मोड़ सकता, पकड़ करके मोड़ सकता हूँ, अपने आप नहीं मोड़ सकता. तो हुआ क्या, जैसा कि स्कूल्स में होता है कि मेरा जो स्कूल का ग्रुप था, दोस्त थे, उनको तो कोई टॉपिक चाहिए होता है ना, कोई मुर्गा चाहिए होता है. स्कूल में यही होता है सबके साथ में, स्कूल कॉलेज में, कि ग्रुप बना हुआ है, एक को मुर्गा बना लिया और सब उसके पीछे पड़े हुए हैं. तो मेरे स्कूल का मुर्गा मैं था, मेरे स्कूल का जो ग्रुप था उसमें वो मुझे पकड़ते थे. मेरा नाम संदीप से बदल करके मेरे स्कूल में, और ये चीज़ करीबन 12th स्टैंडर्ड तक चली थी, संदीप से बदल करके मेरा नाम हो गया था उंगली. तो वो उंगली आ रहा है, उंगली आ रहा है, उंगली आ रहा है, कोई मुझे उंगली मार बोलता था, कहता यार तेरे से अच्छा तो उंगली मार डाकू था, उसने औरों की उंगलियों को मारा, तूने खुद की उंगली को मार दिया. तो ऐसी ऐसी तरह तरह की चीज़ें होती थी. एक आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. तो ग्रुप में जब खड़े होते थे तो सब आपस में पूछते थे, कहते यार ये संदीप क्या करेगा, घी कैसे निकालेगा, वो तो बेचारा रूखी रोटी खाएगा. तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी. और भी कोई भी टॉपिक चल रहा होता था, कोई भी, मतलब किसी और टॉपिक के बारे में बात हो रही है और सबका हंसने का मन कर रहा है, तो वो घूम फिर के फिर मेरी उंगली पे आ जाते थे. तो उस टाइम पे क्या होता था, 12th स्टैंडर्ड तक मुझे बहुत गुस्सा आता था जब भी कोई मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाता था. बाहर बाहर से मैं दिखाने के लिए कई बार हंसता था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही थी. कई कई बार मेरी लड़ाई हो जाती थी उन लोगों से, वो मुझे एक बोलते थे, मैं उनको 4 बोलता था, और बातों बातों में बहस हो गई, कई कई बार हाथापाई भी हो गई, लड़ाई हो गई, गुस्सा बढ़ता जा रहा है. 12th स्टैंडर्ड पहुँचते पहुँचते मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दो चीज़ों को लेकर के बढ़ गई. एक, ये जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे उनसे रिलेटेड, जो भी मेरे दोस्त थे, सो कॉल्ड दोस्त. दूसरी मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई भगवान से, कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, कि अगर उस दिन वो बॉटल वहाँ नहीं होती और मेरी उंगली यहाँ पे इस तरीके से नहीं हुई होती, क्योंकि बच्चे का दिमाग ऐसे ही होता है, तो मेरे को अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गई कि यार काश मेरे साथ में ये नहीं हुआ होता, मेरी उंगली ठीक होती तो मेरा इतना मजाक नहीं उड़ता जितना अभी उड़ रहा है, मतलब हर बात पे मजाक. तो ये थी मेरी 12th स्टैंडर्ड तक की लाइफ. उसके बाद में मैं कॉलेज में गया और वहाँ पर मेरा एक दोस्त बना, उसको पोलियो था और वो सीधे तरीके से चल नहीं सकता था, तो उसके पास में हमेशा बैसाखियाँ होती थी जिसके सहारे से वो चलता था. उस बंदे की एक खास बात थी कि उसको कभी भी, मतलब मैं कॉलेज में 2 साल रहा हूँगा और मैंने कभी भी उस बंदे को इतना सा भी परेशान नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मतलब उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं, यहाँ पर सलवटे तक नहीं, हमेशा हंसता खेलता रहता मज़े में. और उसकी क्वालिटी क्या थी जो मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा एक बंदा देखा था, पहली बार, कि वो खुद की वीकनेसेस का, खुद की कमियों का खुल करके मजाक उड़ाता था, और लोगों को जहां पर उसके ऊपर तरस आता था उसको नहीं आता था अपने ऊपर तरस, वो अपना मजाक उड़ाता और सब हंसते और सब उसको प्यार करते. मतलब खुद तो अपना मजाक उड़ाता था और हंसता था और सब साथ में हंसते थे, लेकिन उसका मजाक कोई नहीं उड़ाता था. तो ये चीज़ मेरे लिए नई थी और मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसके साथ में रहा, उससे इस चीज़ को मैंने सीख लिया. इस क्वालिटी को जो उस बंदे के अंदर थी, मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे इस चीज़ को सीखना है कि खुद पर कैसे हंसा जाता है. और इसको मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, पहले अपना थोड़ा थोड़ा सा मजाक उड़ाया, ये किया वो किया, अपनी वीकनेसेस का, अपनी उंगली का ही मैंने थोड़ा थोड़ा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा. तो मैं बाहर से कोशिश तो कर रहा था मजाक उड़ाने की, लेकिन अंदर ही अंदर उड़ा नहीं पा रहा था. लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते कुछ महीने बाद मैं इस चीज़ में परफेक्ट हो गया, मतलब फिर मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होती थी. और मैं आपको एक अपना एक बहुत ही एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ लाइफ का, जो अगर पहले वाला संदीप होता, मतलब कि वो स्कूल वाला संदीप, तो वो बैठ करके रोता,
चीखता चिल्लाता, लेकिन ये जो कॉलेज वाला संदीप था जो सीख गया था अपने ऊपर हंसना, उसने बड़ा इंजॉय किया, उसके लिए वो मज़ा था, मस्ती थी। आप में से कितने लोग बस में ट्रैवल करते हैं, भरी हुई बस में, जिन्होंने अच्छे से ट्रैवल किया है या पहले कभी किया है? ऑलमोस्ट सब ने। तो आप लोग बड़े आराम से रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं कॉलेज से अपने घर आ रहा था एक बस के अंदर, और वो बस पूरी खचाखच भरी हुई थी। और बस में ट्रैवल करने की मेरे को सबसे ख़राब चीज़ ये लगती है कि उसमें जब बस पूरी तरह से भरी होती है तो सबके हाथ ऐसे होते हैं, और ज़्यादातर लोगों ने डिओड्रेंट नहीं लगाया होता। आप लोगों ने शायद ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। तो हुआ क्या कि मैं ऐसी बस में ट्रैवल कर रहा, बस पूरी भरी हुई, और मुझे एक बड़ी अच्छी खुशबू आई, मतलब कमाल के एक परफ्यूम की खुशबू। और मैंने कहा, यार ये क्या है, जहन्नुम में जन्नत दिख रही है, क्या है ये? मैं मतलब उसमें खो गया उस खुशबू में। और मैंने अपने दोनों तरफ देखा, मैंने कहा ये कहाँ से आ रही है? तो मैंने पहले इधर देखा, इधर से नहीं थी, उधर देखा तो मेरे पीछे लेफ्ट साइड में एक लड़की खड़ी हुई थी और उसने परफ्यूम लगाया। लड़की के नाम पे वो करने वाली बात। और जैसे मेरी नज़र पड़ी कि ये इस लड़की में से ये परफ्यूम की खुशबू आ रही है, तो मेरे फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई। और ये स्माइल उस लड़की को देख करके नहीं आई थी, क्योंकि आप लोगों को बैकग्राउंड पता है, उसको नहीं पता था। ये स्माइल आई थी उसके परफ्यूम की वजह से, कि मैंने देखा और मैंने कहा कितना अच्छा परफ्यूम है, तो हल्की सी स्माइल आई। लेकिन उस लड़की को ये डाउट हो गया कि मैं उसको छेड़ रहा हूँ, मैं उसमें लाइन मार रहा हूँ, और वो बिल्कुल गुस्से से मेरे को घूरने लग गई। मतलब उसने गुस्से वाली मेरे को लुक दी, और मैंने फटाफट से अपना मुँह नीचे कर लिया। मैंने कहा भाई पिटना नहीं है तो मुँह नीचे कर लो, भीड़ यहाँ पे बहुत है, बहुत मारेंगे सब मिल करके। तो मैं अपना आराम से ऐसे ही खड़ा हुआ। उसके 10-15 मिनट बाद में, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मियों का टाइम था, और मेरे फेस पे पसीना आया। तो मैंने क्या किया, अपनी जेब में हाथ डाला रुमाल निकालने के लिए। अब ध्यान से देखो मेरा हाथ कैसा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी उंगली मुड़ती नहीं है। तो मैं गया, मैंने जा करके अपनी जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, और जब रुमाल निकाल रहा था तो वो उंगली जा करके उस लड़की के पैर पे टच हो गई, उसके पैर पे टच हो गई। आपने वो कहावत सुनी होगी, कंगाली में आटा गीला। बिल्कुल ऐसे ही कुछ मेरे साथ में हुआ, कि पहले ही मेरी पिटने वाली हालत थी, और ऊपर से वो उंगली जा करके उसके पैर पे टच हो गई। मैं रुमाल लेकर के चुपचाप अपने फेस पे आया, और मेरी हालत ख़राब। मैं मन ही मन सोच रहा, मैंने कहा भाई अब क्या करूं? दो ऑप्शंस हैं मेरे पास में, एक तो ये है कि पलट करके इसको फटाफट से सॉरी बोल दूं, लेकिन उसमें एक रिस्क है कि क्या हो अगर उसको पता ही नहीं है कि उंगली मेरी थी इतनी भीड़ में। और मैंने बोला तो ज़बरदस्ती पिटने वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। वो कहेगी अच्छा मेरे को उंगली मारी, तूने मारी? तो मैंने कहा भाई, तो मैं दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये था कि मैं चुप रहूँ, आराम से देखता रहूँ मुंह नीचे करके, ऐसे रिएक्ट करूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं सोच ही रहा था इन दोनों ऑप्शन में से मैं कौन सा चूज़ करूँ। इतनी देर में मेरे यहाँ पर राइट साइड में पीछे से किसी का हाथ आया, मतलब तगड़ा, जैसे सनी देओल का हाथ है ना, 2.5 किलो का हाथ, वो आया यहाँ पे थड़ 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 ऐसे करके। ओए, पीछे से आवाज़ आई, ओए। मैंने पीछे पलट करके देखा, और उस लड़की के साथ में एक लड़का खड़ा हुआ था, बॉडी बिल्डर टाइप का। अभी मुझे याद है उसने ब्लड रेड कलर की टाइट फिट टी शर्ट पहनी हुई थी, और उसके ये जो डोले थे, मतलब कि उसकी बाइसेप्स, वो ऑलमोस्ट उस टी शर्ट को फाड़ने वाली थी। इतना तगड़ा बंदा वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ था, उसकी हाइट होगी करीबन 6-6.25 फीट। तो मैंने उसको पलट करके देखा, और पलटते ही अब मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ। अब बहुत देर हो चुकी थी, अब सॉरी बोलने वाली स्टेज जा चुकी थी। मैंने कहा हाँ जी है, बस मेरा ये बोलने की देर थी। लड़की का गुस्सा और बढ़ गया, कहती हाँ जी, मैं तुझे बताऊँ, हाँ जी, एक तो मुझे पहले देख करके हंसता है, उसके बाद मैं टच करता है, और फिर पलट करके कहता है हाँ जी। तो उल्टा पड़ गया मेरे ऊपर, मतलब जैसे ही मैंने उसको बोला, फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा जी आई एम वेरी वेरी सॉरी, अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, आप देखो ये जो मेरी दो उंगलियां हैं, आप देखो इन दोनों की शेप्स में आपको साफ फर्क पता लग जाएगा, मेरी जो उंगली है ये मूर्ति नहीं है, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, गलती से हो गया है। तो उसके बाद में उस लड़के ने बड़ा कमाल का डायलॉग बोला जो उसके साथ में था, मुझे नहीं पता वो उसका क्या था, बट उसने बड़ा सही डायलॉग बोला, कहता ओ हीरो। मैं कहा हाँ जी, और क्या बोलूँ? मैं कहा हाँ जी। कहता है मेरा हाथ दिख रहा है, ये भी अगर एक बार पढ़ना शुरू हो जाए ना तो रुकता नहीं है, जैसे तेरी उंगली मुड़ती नहीं है। तो मैंने कहा भाई आज तो तू गया, आज तो पिटाई होनी पक्की है। फिर उसके बाद में मैंने जितनी मैं कोशिश करता चला जा रहा था उतनी ही गड़बड़ होती चली आ रही थी। और ऐसे में गड़बड़ क्या होती है कि यहाँ तक तो ठीक था, मतलब ये जो लड़का था और ये लड़की थी इसको तो मैं फिर भी किसी तरह से हैंडल कर लेता, लेकिन ऐसे में क्या होता है जितनी भी भीड़ होती है वो सब लड़की की तरफ हो जाती है। उनको ये लगता है कि सारे लड़के ही बुरे हैं,
और कोई समझने को तैयार नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है। और वहां पर पीछे एक मूछो वाले अंकल खड़े थे, वो बोलते कहते ओए शर्म नहीं आती तेरे को, तू लड़की को छेड़ता है, भरी बस में लड़की को छेड़ रहा है। मैं पलटा, मैंने उनके हाथ जोड़े, मैं कहा अंकल जी आज तक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छेड़ा, मैं इनकी गर्लफ्रेंड को क्या छेड़ रहा हूं। मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा एक बार देखो तो सही, देखो तो सही। कहते गंदे गंदे इशारे करता है, चल साइड हो चल। मतलब कोई भी अपनी वाइफ की फ्रस्ट्रेशन, अपनी जॉब की फ्रस्ट्रेशन आकर के मेरे पे निकाल रहे, आकर के ले ले धक्के धक्के देते देते। तो कब मुझे धक्के पड़े और कब मैं बस के आगे तक पहुंचा, कब कंडक्टर ने बस रोकी और मैं बस से उतरा, मुझे पता ही नहीं लगा। सब कुछ अपने आप हो गया, धक्के खाते 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 बीच रास्ते में मुझे बस से निकाल दिया। इनफैक्ट मेरा जो कॉलेज का बैग था वो भी बस में रह गया। और मैं उतरा, और उतर करके अगर वो पहले वाला संदीप होता, वो स्कूल टाइम वाला, तो वो क्या करता? वो रोता, वो जा करके उस भगवान को बोलता, हे भगवान तूने मेरे साथ में क्या किया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, ऐसे पिट गया, ऐसे मेरे कपड़े फट गए, ऐसे ये सब हो गया। यही करता। और दूसरी चीज़ क्या करता, इस एक्सपीरियंस को, ये जो हुआ मेरे साथ में, इसको एक भयानक सपना समझ करके भूलने की कोशिश करता, ये भूल जाओ। और मज़े की बात पता है क्या है, आप जितना भी किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हो वो चीज़ उतनी ही याद आती है। हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा? जितनी कोशिश करता वो अंदर ही अंदर मेरे रह जाता, मतलब बाहर नहीं आ पाता कभी भी। लेकिन ये था पहले वाला संदीप, मतलब कि वो स्कूल वाला संदीप जो अपने कॉलेज के फ्रेंड से नहीं मिला था, लेकिन वो मर चुका था। अब था ये कॉलेज वाला संदीप। मैंने क्या किया, वहाँ से उतरा, मैंने कहा यार बैग तो अंदर रह गया है, लेकिन दोबारा पिटने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा दोबारा जाना तो बस के अंदर ठीक नहीं है। तो साइड में आया, वहाँ पर आ करके एक पानी की रेड़ी वाला खड़ा हुआ था, गर्मियों के अंदर वहाँ पर पानी की रेड़ी वाले खड़े होते हैं, उससे बढ़िया सा नींबू पानी बनवाया। नींबू पानी बनवा करके रोड के साइड में बैठा और हंसने लगा, अपने ऊपर ही हंसने लगा, मतलब अकेले में खुद का मजाक उड़ा रहा था। और बार बार सोच रहा, मैंने कहा यार मैंने सॉरी क्यों नहीं बोला। और अपने घर गया, वहाँ जा करके अपनी सिस्टर को एक किस्सा सुनाया। मैंने कहा देख भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। सिस्टर भी बहुत हंसी, कहती भैया तू तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, बिल्कुल ही पागल है, ये क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। मैंने कहा मैंने किया थोड़े, वैसे ही हो गया, मैं क्या करूँ। उसके बाद में अपने उन स्कूल फ्रेंड्स के पास में गया, वही जो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, उनके पास में गया, उनको भी जा करके अपना पूरा किस्सा सुना दिया। और वो भी बहुत हंसे, कहते हमने सही नाम रखा था तेरा उंगली, देख उंगली करी दी ना तूने। कहते तू बाहर नहीं आया, पंगे ले ही लिए ना। मैंने कहा हाँ यार क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो अब फ़र्क क्या था, क्योंकि मैं खुद पर हंसना सीख चुका था, उस समय नहीं आता था। तो अब वो लोग जैसे ही मेरा मजाक उड़ाते, पहले वो मुझे एक बोलते मैं उनको दो बोलता, अब वो मुझे एक बोलते मैं खुद के बारे में एक चीज और ऐड कर देता। वो कहते हैं हाँ भाई उंगली, मैंने कहा हाँ यार तुम सही कह रहे हो, सही नाम रखा है तुमने मेरा, मैं हूं ही बेवकूफ, मैं हूं ही पागल। तो ये करते करते हुआ क्या, मजे की बात मेरे को अभी भी याद है, उनमें से एक लड़का जो मेरा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था स्कूल टाइम में, उसने बोला, जब ऐसे ही कुछ देर तक ये चलता रहा, तो उसने बोला कहता भाई संदीप तू बिल्कुल बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गया है। और उसकी जो टोन थी ना बोलने की, वो खुशी वाली टोन नहीं थी, ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। वो सदमे में था कि भाई ये हुआ क्या इस लड़के को, वो सदमे में था। क्यों? क्योंकि उसकी पावर उसके हाथ से चली गई थी। सोचो किसी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर हो और वो एकदम से चली जाए रातों रात, तो क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो शॉक में आ जाएगा ना, कहेगा भाई ये क्या हुआ है, ये हो क्या रहा है। क्योंकि उसकी पावर थी क्या, उसकी पावर थी मेरा गुस्सा। मुझे गुस्सा आता था और वो मुझे गुस्सा दिलाता था, मैं चिढ़ता था वो मुझे चिढ़ाता था, मैंने चिढ़ना बंद कर दिया अब वो किसको चिढ़ाएगा। सोचो उसकी पावर गायब, उसके जोक्स फेल, पूरी तरह से फेल। मतलब वो कुछ भी कोशिश करता हो फेल, किसी को हंसी नहीं आती। उसके बाद में जो मैं अपने बारे में बोलता हूँ उसमें ज्यादा हंसी आती। तो ये मेरा लाइफ का छोटा सा मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से अगर हम अपने अंदर एक इतना छोटा सा चेंज लेकर के आ जाए तो किस तरह से हमारी लाइफ एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन पे निकल जाती है। सोचो मेरे अंदर का गुस्सा मर गया, फ्रस्ट्रेशन गायब हो गई, दुख गायब हो गया, क्योंकि अब मुझे हंसने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी, टीवी देखने की जरूरत नहीं थी, खुद के ऊपर अकेले में बैठ करके हंस सकता था,
कितना कुछ मिल गया छोटी सी चीज़ के थ्रू। और आपने भी शायद ये चीज़ नोट करी होगी कि जब मैं स्टेज पर होता हूँ या वैसे भी रियल लाइफ में भी, कि किसी भी तरह का कोई भी जोक क्रैक करने में, चाहे कितने भी लोग बैठे हों, चाहे 10 लोग बैठे हों, चाहे 10,000 लोग बैठे हों, मुझे 1% भी दिक्कत नहीं होती। हुआ क्या है कि आज मुझे अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि मैं चाहे कैसा भी जोक क्रैक करूं यहां पर, कैसा भी, अच्छा हो या बुरा हो, एक चीज गारंटीड है, आप लोगों ने हंसना ही हंसना है। हंसना ही हंसना है, गारंटीड हंसना है। और ये मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है जो किसी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। और मैं बताता हूं कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं। मैंने कोई जोक क्रैक किया या कुछ बोला यहां पर आकर के, अगर आपको जोक समझ आ गया तो आप क्या करोगे, हंसोगे, उस जोक के ऊपर ठाके मार मार के हंसोगे, खुल के हंसोगे। और अगर वो जोक समझ नहीं आया तो क्या होगा, तब भी आप हंसोगे। फर्क यह है कि आप मनी मन मेरे जोक के ऊपर नहीं, मुझ पर हंसोगे कि कितना बेवकूफ आदमी है, ये तो पागल है बिल्कुल ही। मनी मन आप हंसे ना तो हुआ वो जो मैं चाहता था, मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद क्या था, ये नहीं था कि आप मेरे जोक के ऊपर हंसो, ये था कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ जाए बस। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप मेरे जोक के ऊपर हंसो या मुझ पर हंसो, क्या फर्क पड़ता है, हाँ, या मेरी बेवकूफियों पे हंसो या मेरे फेलियर्स पे हंसो या मेरी वीकनेसेस पे हंसो। होता क्या है, जब हम धीरे धीरे इस रास्ते पे चलते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब सिर्फ हम अपनी छोटी छोटी वीकनेसेस का मजाक नहीं उड़ाते बल्कि बड़े से बड़े फेलियर का भी मजाक उड़ा सकते हैं, बड़े से बड़े फेलियर का। सोचो ये क्या है। एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बात करी थी, वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स इन द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में जितने भी डर हैं आपकी लाइफ में उनमें से सबसे बड़े डरों में से एक वो था, सबसे बड़ा रोग क्या है। आप में से इतने सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आप कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका पोटेंशियल है, आपको पता है अंदर से कि मैं ये कर सकता हूं, आप करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत गहराई में एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि मैं इस वजह से नहीं कर रहा, उस वजह से नहीं कर रहा। रीजन कुछ और है, रीजन क्या है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है कि यार मैं सक्सेसफुल हो गया तो बढ़िया है, अगर फेल हो गया तो मेरा कितना मजाक उड़ेगा। ये आता है अंदर से, ये डर हमको आगे बढ़ने से रोकता है, सबको रोकता है, किसी के अंदर कम है किसी के अंदर ज्यादा है, सबके अंदर होता है ये डर। तो धीरे धीरे अगर आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपने ऊपर हंसना शुरू किया, तो वो दिन दूर नहीं है भैया जब ये डर पूरी तरह से आपके अंदर से निकल जाएगा। आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। जिसका जो काम है उसने वही करना है। आप कुछ अच्छे से अच्छा भी कर लो ना लाइफ में, आप जा करके हिमालय के ऊपर जा करके झंडे गाड़ दो माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तब भी जिसने आपके ऊपर हंसना है वो हंसेगा, वो कहेगा देखो पागल है कहां पहुंच गया, क्या जरूरत थी, ये कोई काम है करने वाला, घर पे बैठो टीवी देखो खाओ पियो मस्त रहो, क्या जरूरत है कुछ करने की। तो जिसने मजाक उड़ाना है, जिसका बेसिक नेचर है नेगेटिव चीजों को देखने का, वो नेगेटिव ही देखेगा भाई, तो फर्क क्या पड़ता है। और ये एक छोटी सी क्वालिटी है जो आप उन सब लोगों में देखोगे इस पूरे दुनिया में जो भी लोग अपनी जिंदगी को खुल करके जी रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उन्हें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है क्या बोलती है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू देम। तो जीना है तो क्या करना है, खुल के जीना है और खुद पर हंसना है, खुद का मजाक उड़ाने से कभी भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इससे होता क्या है, सिर्फ इतना नहीं होता, इसके और एक स्टेप और अंदर जाते हैं, थोड़ा और डीप में जाकर के देखते हैं क्या होता है, कि जैसे जैसे आपको खुद की वीकनेसेस का मजाक उड़ाना आ गया, खुद की बेवकूफियों का, खुद की कमियों का, खुद के फेलियर्स का, तो धीरे धीरे ये जो सक्सेस है ना, सक्सेस जो हमको मिलती है, हम उसका भी मजाक उड़ा पाएंगे, अपनी सक्सेस का, किसी और की सक्सेस का नहीं, और की सक्सेस का तो दुनिया मजाक उड़ाती है कि अपने पड़ोसी के पास में अपने से बड़ी गाड़ी आ गई, जरूर कोई गलत काम कर रहा है, जरूर कोई गड़बड़ काम कर रहा है।
होता है खुद की सक्सेस का, और देखो इससे क्या होगा। मैंने आज तक अपने सेशंस में ये इस टॉपिक को बहुत ज्यादा टच किया है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को टच नहीं किया कि सक्सेसफुल होने के बाद क्या करना है। क्योंकि जहां आप सक्सेसफुल हुए, आपके पास में, आपकी फील्ड में आपका नाम हुआ, आपके पास में पैसा आया, आपके पास में पावर आई, तो आप चाहो ना चाहो उस सक्सेस ने आपके दिमाग पर चढ़ना ही चढ़ना है, गारंटी चढ़ना है। आपके अंदर अहंकार आना ही आना है, आपकी ईगो ने बढ़ना ही बढ़ना है, और जिसके अंदर अहंकार आया, जिसके अंदर ईगो आई, वो अंधा अकड़ गया, जो भी अकड़ा समझो वो मर गया। क्या होता है ऐसे लोगों के साथ में, उनके अंदर का बच्चा मर जाता है। जहां ये सक्सेस, जब तक कि ये हमारे पैर की जूती पे है तब तक ठीक है, जहां ये सर पे चढ़ी गड़बड़ शुरू, आप खुल करके वो कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो, बस ईगो बढ़ती चली जाएगी, अकड़ बढ़ती चली जाएगी। पता कैसे लगेगा आपको ये चीज हो रही है, जब भी जिंदगी में हंसी छिन जाए, सीरियस हो जाओ, माथे पे सलवटे पड़नी शुरू हो जाए, अकड़ जाओ, हमेशा अकड़े अकड़े रहो, तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। उस समय वक्त है अपने फेलियर्स का नहीं, अपनी सक्सेस का मजाक उड़ाने का। अरे क्या हो गया, तो टेम्पररी है, नाम भी टेम्पररी है, सक्सेस भी टेम्पररी है, और मेरे हाथ की चीज नहीं है। सीरियस होना है तो काम के बारे में सीरियस होना है, जो काम मैं कर रहा हूं उसको पूरी ईमानदारी से करना है। नाम का क्या है, नाम और बदनाम में कितनी देर का फर्क है, कुछ सेकंड्स का। तो इस चीज को लेकर के क्यों सीरियस होना है, सक्सेस को लेकर के क्यों सीरियस होना है, पैसे को लेकर के क्यों सीरियस होना है, इन सब चीजों को लाइटली लेना है। सिर्फ फेलियर्स को नहीं, सक्सेस को भी लाइटली लेना है, और पूरी तरह से आजाद रहना है, पूरी तरह से खुल के जीना है अपनी लाइफ को। मतलब कि बिल्कुल वैसे ही रहना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी ऊपर लेवल पे आप पहुंच जाओ, बिल्कुल वैसा ही रहना है जैसा आप तब थे जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी, जब आप छोटे से बच्चे थे। दिल में वो बच्चा मरना नहीं चाहिए, भागना है, उठना है, गिरना है, फिर चलना है, फिर हंसना है, खिलखिलाना है, रोना है, जो मन कर रहा है अंदर से वो करते चले जाना है। मतलब कि दिमाग होना चाहिए बुद्ध के जैसा, और दिल होना चाहिए एक छोटे से बच्चे के जैसा।